ओडिशा में हुए भयावह हादसे की असल वजह सभी जानना चाहते हैं। रेल मंत्री अभी भी मौके पर डटे हुए हैं। इस हादसे में 288 लोगों की जान गई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। रेल मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि हादसे की असल वजह पता लग गई है और जांच की जा रही है। सेफ्टी कमिश्नर जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आइए जानते हैं रेल मंत्री का इस पर क्या कहना है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची। डॉट ममता बनर्जी ने भारत सरकार की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे और रेल मंत्री ने इस पर सफाई दी है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं, कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। यहाँ पे चार ट्रैक्स हैं टोटल, दो मेन लाइन है, दो लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका ओएचई का काम चल रहा है, अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है, वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कम्प्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया, देख रहे हैं आप, यहाँ पे पटरियां बिछ रही है और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं, इसका भी आज काम कम्प्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे।